बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है मैं तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार नली का सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत मज़े की होती है और बहुत आसान रेसिपी है, चंद इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाती है, कुछ स्पाइसेस यूज़ होते हैं, सिंपल सी है। फिर शुरू करते हैं नली का सालन कैसे बनाया जाता है। 1 किलो नलियों का गोश्त ले लें, अगर कुर्बानी का है तो इसको 5 मिनट के लिए पानी में बॉयल करके पानी को ज़ाया कर दें। ये प्रोसीजर मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अब मैं इसको डायरेक्टली पकाऊंगी। इसमें आपने 1 गिलास पानी डाल देना है, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन, 3 हरी मिर्चें कुटी हुई, 1 बड़ा टमाटर का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी। 5 मिनट के लिए तेज आंच पर इसको कवर करें ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। जब उबाल आ जाए तो इसमें 1 बड़ा प्याज रफ कटिंग किया हुआ डाल दें और फिर इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अब इसको आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर ढक कर पकाएं। आधे घंटे के बाद ये देखिए काफी हद तक पानी सूख चुका है और मटन भी गल चुका है। अब हम इसको भूनेंगे। फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए हम 1/2 कप देसी घी डालेंगे, फिर इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मजीद भूनेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 5 मिनट के बाद अब ये देखें ऑयल अलग हो चुका है और नली का सालन बिल्कुल रेडी है। इसमें मसाला भी मौजूद है और गोश्त इतना फाइन गला हुआ है, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट के बाद इसको लेमन के साथ और नान या रोटी के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।